चुनाव में लोग आईपीएल को भूल गए, अब आईपीएल में यूपी बिहार को भूल गए। अब मैं परेशान हूँ कि भैया क्यों आईपीएल में यूपी की टीम क्यों नहीं खरीदी गई है, बिहार की टीम क्यों नहीं खरीदी गई है। ये बात अपने चाचा जाकर पूछे, चाचा उठा मेरे पर भड़क गए, कहते कहा कि अरे ससुर के नाती जब सब खरीदाई जाएंगे तो सट्टाबा कौन लगेगा तुम्हारा बाप। हमने तुरंत वहीं गोली मारा, चाचा को नहीं, चाचा की बातों को। चाचा को गोली मारने के लिए 56 इंच का तीना चाहिए, हमारा तो 26 इंच भी नहीं, आप देख सकते हैं। फिर भैया मैं सोचा कि भाई दवे आईपीएल में यूपी या बिहार की टीम खरीद ली जाती है तो टी शर्ट पे विज्ञापन कैसे कैसे छपे। अब देखिए बड़ी बड़ी कंपनियों ने दूसरी टीमों पर सारा विज्ञापन छाप, आप देख सकते हैं नैरो लैग लिखा रहता है, वीवो, पेप्सी, एटीसी। अपने हिसाब से छापे, इस साइड लिखवाएंगे बाबा पान भंडार, इस साइड लिखवाएंगे चौरसिया डीजे एंड शामियान, पीछे लिखवाएंगे जिनर चिंगा पान मसाला दाने दाने में केसर का दाना, बोलो जुबा केसरी, इस साइड लिखवाएंगे चूरन बालम कीरा जो आपके पेट को बना देगा हीरा, और अंत में इस साइड लिखवाएंगे निराश मिला हर रविवार मेट्रो पुल के नीचे। अच्छा मान लीजिए अब खरीद ली गई, अपनी टीम खरीद ली गई, ग्राउंड में पहुंची, सबके मुंह में एक एक पाव गुटका भरा हुआ है, अब सब खाते हुए पीछ पे थूक थूक के सामने वाली टीम को कंफ्यूज कर देंगे, साला क्रिकेट मैच खेलना महाभारत। अब दूसरी टीम क्या है, छक्का चौका मार रही है, अलग गाने चल रहे उनका, टैनो सूट सूट कर दा दिलवर दिलवर, भैया हम यूपी बिहार वाले एक एक रन पे गाना बजा रहे हैं, कमरिया करे लॉलीपॉप लॉलीपॉप लागे गोरी तोरी चुनरी बा लाल लाल रे, पटना लौट के न जाएंगे, ठीक है अपना इस टाइप का होगा स्ट्रेटेजिक टाइम आउट। ठीक है अब स्ट्रेटेजिक टाइम आउट में दूसरी टीम क्या रणनीति बना रही है कि भाई साहब हमको 2 ओवर तक रुक कर उसके बाद हमें फास्ट किया, इधर कोई टेंशन है नहीं, कप्तान सबको बुला लिया है ग्राउंड पे, एकदम ग्राउंड बना लिया है, बात कर रहा है, आ देखो अगर मैच जीत गया ना सब करोड़पति बन जाए, सब बेरोजगारी सब खत्म हो जाएगा, किसी को दुबई दिल्ली बम्बई पेंट पॉलिश करने नहीं जाना पड़ेगा। और सुनो आप पिछली बार देखे थे बम्बई 7 करोड़ रुपए पाया था, आ ऊपर से जीएसटी अलग से पाया था, अगर मान लो जीत गए ना तो 4 करोड़ हम कप्तान है, 4 करोड़ तो खड़े खड़े हम ही मिल जाएगा। सबसे पहले हम जाएंगे गांव में खेत लिखवाएंगे और वहां डेयरी डालेंगे, भैंस के दूध के साथ साथ भैंस का गोबर भी सप्लाई करेंगे। तब तक दूसरा कोई बोला अरे भैया ये सब ध्यान छोड़ो महाराज, देखो ग्राउंड में कितना सुंदर सुंदर लड़कियां हैं, माँ कसम माहौल बन जा रहा है, एक लड़की तो हमको लाइन दे रही है, भैया अगर हमारा फोनवा ठही रहा रहता ना तो हमको अब तक तुरंत हमने इसको व्हाट्सएप नंबर दे दिया रहा, लेकिन फूट गया हमारा फोनवा, देखो भैया वही लड़की है हमको देख रही है, देखो ध्यान से, अरे हरामपुर प्रीति जिंटा उसकी शादी हो गई है, चलिए भैया क्रिकेट मैच खेलते हैं। मजा तो तब आएगा अगर आईपीएल में यूपी की टीम या फिर बिहार की टीम फाइनल जीत, क्या लेवल होगा यार, अब जो बंदा मैन ऑफ द मैच लेने जाएगा स्पीच क्या भैया, इंग्लिश तो हम लोगों की जान ही रहे हो कहता है, जाकर बोल नहीं देंगे के ओ या सच्चा तो वापस जा गुड बैटिंग एंड गुड बैटिंग एंड द विन दिस मैच ना मैं इतना ओवर एक्टिव हिंदी भी हम लोगों की उतनी अच्छी नहीं है कि हिंदी हम जाकर बोल दें, देखिए सिचुएशन के हिसाब से तो मैच अच्छा था लेकिन फील्ड में थोड़ी कमी थी, हमारे फील्डर ने संभाल लिया जिसकी वजह से हम मैच जीत गए ना भैया, यूपी बिहार वाले एकदम जो भी बोलना है मुंह पे बोलेंगे, बोलो जुबा के सीधा सीधा मुंह पे चौपट पीट दिया था पीच, जैसे कोड़े हुए खेत में उतार दिया रहा बात बतियाता है, और उधर से सब छक्का चौका मार के सब बंदर बना दिया, हमारे तरफ से कौन था, सब लूज लंगड़ थे, सब विकलांग थे, एक हम ही ठीक थे,
हम नहीं रह रहते देखे रहते कैसे जीते रहते। हम तो कप्तान वास पहले ही बोल दिए रहे कि ससुर के नाती अगर हमको बैटिंग नहीं मिला तो माँ कसम कोनो क्रिया कसम करा लो हम फील्डिंग नहीं करेगा। और जिसके वजह से हम मैच जीत गया ये मेरा ऐसा होने वाला नहीं है, शायद फ्यूचर में हो लेकिन मेरा इमेजिनेशन है ठीक है। लेकिन बहुत बहुत शुक्रिया आप लोगों का, मैं गोरखपुर से आया यहाँ पर, मुझे नहीं लग रहा था कि मेरा ये जोक यहाँ पर चलेगा, यहाँ दिल्ली में ये चल सकता है, लेकिन बहुत अच्छा प्यार मिला, बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू, बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू।